कोटा शहर में हुई छात्र की हत्या करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। पैसों की तंगी के चलते की मित्र की हत्या के कई घंटे बाद आरोपियों द्वारा फिरौती की रकम मांगी गई। पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने बताया कि वारदात को 3 आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया जो पुलिस के हत्थे चढ़े। बोरखेड़ा थाना इलाके में विशाल मेवाड़ा की हत्या का खुलासा पुलिस ने चंद घंटों में हत्या का खुलासा किया। कोटा शहर के SP अंशुमन भूमिया ने बताया कि विक्रांत, विजेंद्र सिंह भाटी और प्रदीप तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। यह अपने साथ अपनी साथी को सुनसान जगह ले गए जहां पर उन्होंने हत्या करके सबको डिस्पैच करने के लिए उस पर हमक डाला। घटना के बाद विशाल का मोबाइल लेकर यास शहर में घूमते रहे। उन्होंने कई फोन भी किए ताकि उन पर किसी का शक ना हो और विशाल का लाइव मूवमेंट शहर में दिखाया जा सके। 12 बजे हत्या करने के बाद करीब शाम 4 बजे उन्होंने फिरौती के लिए उनके परिजनों को फ़ोन किया और 15 लाख रुपए की फिरौती राशि की मांग की। बस फिर क्या था, पुलिस ने फ़ोन को ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार पुलिस ने आरोपियों तक पहुँच ही गए और पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। शहर SP अंशुमन भूमिया ने बताया कि इन तीनों ने TV सीरियल देखकर हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा, जिसमें क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखकर इन्होंने पूरी तरह योजना के तहत आरोपियों ने अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, इन लोगों ने विशाल का ही फ़ोन इस्तेमाल किया। तीन व्यक्तियों के नाम हैं विक्रांत और हिमांशु, विजेंद्र सिंह भाटी और प्रदीप उर्फ बिन्नी। ये तीनों कोटा के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने ही एक मित्र को बला फुसला करके, जो करीब 20 साल की उसकी उम्र थी, नाम विशाल मेवाड़ा, इसको बला फुसला करके अपने साथ ले गए और उसके बाद नशंस तरीके से इसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इसको बॉडी को खेत पर पटक दिया और साथ में उसको नमक डाल दिया। और हत्या करने के कई घंटों बाद इसके फैमिली को फ़ोन करके और 15 लाख रुपए की डिमांड करी। इनका जो मोटिव था इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कि हत्या करने के पश्चात ही वो पैसे की डिमांड करेंगे, क्योंकि वरना वो आइडेंटिफाई हो सकते थे इस पूरे केस में। इस पूरे घटनाक्रम का कुछ घंटों में ही पुलिस द्वारा खुलासा किया गया और तीनों अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। कितनी रकम मांगी थी फिरौती के लिए जो अपराधी हैं उनके द्वारा? 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। ये कॉल करीब 4:30 बजे किया गया था और करीब दिन को 12 बजे ही इस व्यक्ति की हत्या इसके तीनों दोस्तों द्वारा कर दी गई। सर, फिरौती के लिए किस तरीके के फ़ोन्स का यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ से इन लोगों ने परिजनों को किस तरीके की सूचना दी? इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गुमराह करने के लिए, जो मृतक है इसकी हत्या करने के बाद दिन को करीब 12 बजे हत्या की गई थी, उसके पश्चात इसका मोबाइल लेकर के घूमा गया और कई कॉल्स किए गए ये दिखाने के लिए कि व्यक्ति जिंदा है और कहीं इलाके में घूम रहा है, और उसके पश्चात उसके फ़ोन से उसके फादर को कॉल किया गया करीब 4:15 बजे ताकि ये मूवमेंट उसको दिखाने के लिए और गुमराह करने के लिए। उसी के मोबाइल से रैंसम कॉल्स की गई, खुद क्या इनका के द्वारा कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। सर, ये जो था मतलब इन्होंने क्राइम किस कारण के प्रोग्राम देख के प्लानिंग बनाई है? अभी तक जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें ये कई तरह के क्राइम पेट्रोल और इस तरह के कार्यक्रम देखते थे और इनका कहना कि पैसों की तंगी के चलते उन्होंने ये पूरी स्कीम बनाई और अपना मोबाइल इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। साथ में जब बॉडी का जो मर्डर डिस्पोजल इन्होंने किया तो उसमें नमक का इस्तेमाल किया और किस तरह से बॉडी को आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेस को क्रश किया, वो पूरा की पूरी चीज़ें इन्होंने इस तरह के सीरियल से ही इनका कहना सीखी थी। ठीक।